जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, और जितने इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर बैठकर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा जब आरती में जलाया जाता है तो ये कपूर क्यों जलाते हैं? इस कपूर का महत्व क्या है? इस कपूर का कारण क्या है? ये कपूर है कौन जिसको हम आरती में जलाएं? क्या जरूरत इस कपूर को आरती में जलाने की? क्या जरूरत इसको यज्ञशाला में जलाने की? क्या जरूरत है इस कपूर को पूजन में जलाने की? स्वयं गुरु बाबा कहते हैं, यदि कोई आरती में, पूजन में, घर में एक कपूर का टुकड़ा आरती के बाद में जब समर्पित करेगा तो उसको अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। अश्वमेध यज्ञ के पुण्य को पाने के लिए कपूर का टुकड़ा आज भी आरती में जलाया जाए। एक कपूर का टुकड़ा सुख का, इसीलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, महाराज जब आपको घर में अगर ऐसा लगने लगे कि 15 दिन से बहुत बेचैनी है, बहुत दुख तकलीफ लग रही है, कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, कुछ ना कुछ तकलीफें लग रही है, तो एक पीपल का पत्ता ले लो, उसके ऊपर एक कपूर का टुकड़ा ले लो, सारे घर में घुमाकर उसको दरवाजे के बीच मध्य में जलाकर रख दीजिए। थोड़ी सी जैसे 20 से 25 मिनट के अंदर मकान में एनर्जी वापिस आ जाएगी, उस भवन में एनर्जी वापिस प्राप्त हो जाएगी। 20 से 25 मिनट के अंदर एनर्जी लग रहा है कि यहाँ नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। ये दुनिया के लोग गायत्री मंत्र चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहे हैं, बक्से में लगा दिया, चल रहा है, लोग अपने काम में लगे हैं। वैदिक मंत्र चतुर ब्राह्मण जब यज्ञ कराने बैठते हैं, चतुर ब्राह्मण जब विद्वान ब्राह्मण विद्वान आचार्यगण कर्मकांडी ब्राह्मण जब अनुष्ठान करते हैं तो गायत्री मंत्र जब आता है तो मौन हो जाते, चुप। वैदिक मंत्र मौन। मंत्र ऐसा हमारे शंभू ने दिया, दो मंत्र ऐसा, नमः ओम नमः शिवाय, कैसे भी बोले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महामृत्युंजय मंत्र, ये तीन जो मंत्र हैं, कोई पूछे कि इसमें बड़ा मंत्र कौन सा है, कोई कोई पूछते नहीं है कि इसमें ओम नमः शिवाय बड़ा होगा कि महामृत्युंजय मंत्र बड़ा होगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बड़ा होगा। तो जो पूछे तो उनसे निवेदन है, पहले ये पता करके बताओ कि ब्रह्मा बड़े, विष्णु बड़े कि शंकर बड़े, उनसे ये पूछा जाए, क्योंकि शंकर की जलाधारी जहां रखाती है उसमें तीन पाए होते हैं। कितने पाए होते हैं? तीन। उसके ऊपर कलश, कलश में से एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है, ये तीन पाए कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसके ऊपर जो जल गिर रहा है वो एक एक बूंद गिर रहा है, तो ये बताता है कि हम तीनों एक हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। तो मंत्र ना कोई बड़ा होता है ना कोई छोटा होता है। ओम नमः शिवाय जपोगे वो भी बड़ा है, आपके हृदय में बैठना चाहिए कि आपको क्या जपना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हो आपकी वृद्ध विवेकता से वो बड़ा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे वो बड़ा होगा, ये आपकी सोच है कि बड़ा क्या है। और सरल भाषा में समझ लो, बुरे वक्त में जो काम आए वो बड़ा है कि सुख में जो काम आए वो बड़ा है? बोलिए, जम के बोलिए, जम के बोलो। बुरे वक्त में जो काम आ जाए और आकर कह दे चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, बेटी की शादी अच्छे से कर, ले 2-4 लाख रुपए ले जा, टेंशन मत लेना, बारात हम झेल लेंगे, तेरे को दुखा गया, कर्जा हो गया, चिंता मत कर, 2-4 लाख ले जा, हम यही सोचेंगे कि कोई व्यापारी खा गया होगा, ले जा तू कर ले। जो बुरे वक्त में काम आ रहा है बड़ा वो है, और जिस समय पर तुम सोफा सेट पर बैठे हो, डनलप के गद्दे पर बैठे हो, एसी का रूम है तुम्हारा, खूब चाय नाश्ता भोजन पानी सब चल रहा है, सब भैया जी काका जी कर रहे हैं, और ऐसे में तो कोई तुमको आ भी जाए तो वो बड़ा थोड़ी ना, कोई तुम्हें सपोर्ट भी कर दे तो वो बड़ा थोड़ी ना, तुम्हें लगेगा वो ऐसे तो बहुत आते रहते हैं, और जो बुरे वक्त में साथ दे वो बड़ा है। अब इन मंत्रों में कोई एक मंत्र आपने बुरे वक्त में जप लिया और आपका काम हो गया तो आपको क्या लगेगा कि मंत्र वो बड़ा है? अर्थात मंत्र की बड़प्पन आपके दुख और सुख के साथ ही काम है, आपके जीवन के आनंद में। वेद के जितने मंत्र होते हैं, शास्त्रों के जितने मंत्र होते हैं, भागवत के, रामायण के, गीता के जितने मंत्र होते हैं, कोई मंत्र सब कमजोर नहीं होता, किसी मंत्र में कोई कमी नहीं होती, मंत्र सब प्रबल होते हैं, सारे मंत्र प्रबल हैं, बस जपने वाला चाहिए कि उसको सिद्ध कर जपता रहे, उससे फल की प्राप्ति करता रहे। मंत्र कोई छोटा नहीं, मंत्र कोई बड़ा नहीं, उसको जपना है आपको, आपको धारण करना है, उससे आपकी प्राप्ति। आप कोई कहे कि महाराज जी इसमें महामृत्युंजय बड़ा होगा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बड़ा होगा कि ओम नमः, जम के बोलो, शिवाय बड़ा होगा, तो ये हम नहीं कह सकते। हम तो इतना कहेंगे कि पहचान कर लो, एक बार प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, सब कर, तुम्हारा मन करे उसको जाओ। बस अंतर इतना है, महामृत्युंजय मंत्र को बोलने के लिए स्वच्छता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, एक आसन चाहिए, कुशा चाहिए, अनुष्ठान चाहिए, और ये दो जो मंत्र हैं ओम नमः शिवाय और श्री शिवाय,
नमस्तुभ्यम, इसमें कोई आसन नहीं, कोई अनुष्ठान नहीं, तुम चलते फिरते खाते पीते जाते आते जैसे जपना हो तुम्हारी मर्जी पड़े जपो, नींद नहीं आए तो उठ के बैठ के पलंग पे जप लो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय, तुम्हारा मन करे जैसे जपो। हम तो कई बार कहते हैं बच्चों को डांटो भी तो मंत्र ओम नमः शिवाय चिल्ला भी रहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का, पहले भी कहा फिर कहते हैं सबसे कठोर लोहा लोहे से कठोर अग्नि, क्योंकि अग्नि लोहे को गला देती है, और अग्नि से कठोर होता है पानी जो अग्नि को बुझा देता है, और पानी से कठोर होता है मनुष्य जो लोटे में भर के डकार जाता है, और मनुष्य से ज्यादा कठोर होती है बीमारी जो मनुष्य को ही निगल जाती है, और बीमारी से भी ज्यादा कठोर होता है मेरा कालो का काल महाकाल जो बीमारी को ही निगल जाता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। शंकर की उपासना करी है शिव का स्मरण करा है तो जीवन में सुख का भान तो रहेगा आनंद की अनुभूति तो रहेगी। जिसका शरीर में कहीं चर्म रोग हो गया हो चमड़ी सफेद पड़ गई हो तो गाय के बछड़ा जब दूध पिए तो उसके फेन को चम्मच में उठा लो निकाल लो, और पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे के लगभग में शरीर में उसको लगा लो जहां पर जहां दागे, और थोड़ी देर बैठ जाओ चंद्र की रोशनी के, थोड़ी देर बैठ जाओ उसके बाद में फिर स्नान कर लो, दो या चार पूर्णिमा आप करेंगे महाराज धीरे धीरे वो चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी, चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। एक बात और आपको पहले भी कही थी फिर कहते हैं, गाय जब अपने बछड़े को दूध पिलाए उसके मुख पर जो फेन आए, जो बच्चा बुद्धि से विकलांग हो चित्तवृत्ति से विकलांग हो जिसका विवेक काम न करता हो चिड़चिड़ करता हो रुदन रुदन करता हो या फिर गुम एकदम गुम सा रहता हो या उसकी इंद्रियां नेत्र श्रवण जिभ्या सही काम ना कर रही हो, तो अमावस्या के दिन दोपहर 12 बजे गाय के बछड़े का जो फेन है मुख का, बछड़ा जब दूध पिए उसका जो मुख में फेन आता है वो उस बच्चे को पिला दीजिए, तीन या चार अमावस्या करिए धीरे धीरे मेरा बाबा भोलेनाथ उसको ठीक करना प्रारंभ कर देता है। गाय का दूध अमृत है, अमृत वो साधारण नहीं है मां, अमृत तत्व है।